हेलो एवरीवन। हाँ तो अब मजा आएगा क्योंकि अब मैं कर सकता हूँ स्पॉइलर टॉक, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो रिकॉर्ड कर दी बिन स्पॉइलर्स के। तो मैं बता रहा है, जैसे कि उसमें मैंने कहा कि अगली वीडियो आएगी ही स्पॉइलर्स के साथ, तो हाँ ये वही वीडियो है, वीडियो है। तो मैं सोच रहा हूँ ये पूरी वीडियो ऐसे ही शूट करें, क्योंकि अब मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ इन चश्मों को, ठीक है। तो मैंने पूरी मूवी देखी थी 3D में, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट भी किया, अगर तुम जा सकते हो तो 3D में ही देखने जाओ। मैं पायरेसी बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऐसा झूठे वो नहीं कहूँगा, करेगा नहीं, कभी करा सब नहीं है, बस लोग आगे आगे बोलना नहीं चाहते, नहीं तो उनको कुछ भी झेलना पड़ सकता है, बट आई डोंट केयर एनी मोर, क्योंकि मैंने कहाँ से चीटिंग करी, तुम कहाँ कह सकते, मेरा पेपर तो मैं सबके सामने देख रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ठीक है, अब अच्छे से बात करते हैं। देखो जैसे दिलजीत का गाना आता है, वो जब फाइट सीक्वेंस चल रहा है, वो बहुत तगड़ी जगह लगाया भाई। देखो अपना हीरो फाइट कर रहा है और वो जो एकदम से दिलजीत, पता है डायरेक्टर को ये पता है कि दिलजीत भाई चलने अभी हाइप में, अगर उनका टॉप अभी वो टॉप चार्टर्स में, अगर उनको उठाओगे और अपनी मूवी में डालोगे कहीं पे भी, और जहां सोचो एक्टर को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने लीड को, वहां डालोगे तो मजे तो आएंगे ही, मजे क्यों नहीं आएंगे, समझ रहे हो। और मूवी 700 करोड़ में बनी है, तो एक एक्टर ने खुद के पास्ट को बीट कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हाँ, यहाँ मैं सीधा नाम लेना चाहूँगा प्रभास का, हाँ प्रभास ने अपने आप को बीट कर दिया, और मैं आदिपुरुष जैसी इतनी बड़ी ब्लंडर को करना जा रहा हूँ, बाय बाय, मैं डिलीट कर चुका हूँ उसको, क्योंकि मैंने देखी भी नहीं थी, और जो लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया या मैंने खुद भी दिया, अब मैं उसको भूलना चाहता हूँ। वो ये था ना, मिट्टी डालो, डाल दी मैंने मिट्टी, तुम अपना अपना देख लो। इस मूवी में मेरी GF को भी दाम थोड़ा, हाँ मीनाल ठाकुर की बात कर रहा हूँ, मेरे को देख, अगर ये कहीं वीडियो को भी किसी के पास पहुँच गई जो मेरे को मुक्के पड़ने वाले हैं लोगों से, ठीक है यार, प्यार किया तो डरना क्या, यू नो। हाँ तो मीनाल ठाकुर की एक्टिंग ऑन पॉइंट एज ऑलवेज, जिसके लिए मैं प्यार करता हूँ उन्हें। और मूवी में दिखाया जाता है कि दीपिका जो है वो नैनी है मदर्स की, और वो खुद मदर बन जाती है, क्योंकि जो नैनीज भी हैं उन पर भी एक्सपेरिमेंट होते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसे बच के नहीं आनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है शायद। और क्रिमिनेशन ऑफ अनसेटिस्फाइड प्रोजेक्ट जो है भाई, बहुत ब्रूटल है भाई, तुम सोचो तुम बॉडी ही जला दे रहे हो, स्क्रैप, मतलब सोच रहे हो उस टाइम इतना ब्रूटल जाएगा, उससे भी ब्रूटल जाएगा। मेरे दोस्तों ने, मैंने बात करी है कि हाँ भाई उस टाइम तक लोग हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही ख़राब हो चुकी होंगी उस टाइम तक। बट जो चीज़ें हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें ना, एक तो सबसे पहले VFX शॉट पास्ट के तब तक तगड़े चीज़, ठीक है, बहुत ही तगड़ी चीज़ है। दूसरा जो एक सीक्वेंस है जिसमें हमारी जो माँ है दीपिका पादुकोण, एज अ कल्कि की माँ जैसे दिखाया गया उन्हें, वो जब बाहर जा रही होती है और वो शॉट है भाई, क्या बनाया है, जब कृष्णा जी ने अवतार लिया था तो उनके भी जन्म में ऐसी बाधाएँ आई थी, और उनके पिताजी ने उनको नदी पार करके किसी और को दे आए थे, हाँ नंदलाल, हाँ। उसके बाद अब दशम अवतार में भी ऐसा हो रहा है, इस बार उनकी माँ को सेफ प्लेस पे जाना पड़ रहा है, एक बुरी जगह से बच के। और मैं यास्किन के बारे में कुछ चीज़ें सही क्रैक कर ली थी, हाँ जैसे उसे ऊर्जा मिलती है, बट हाँ बहुत लोगों ने जो थ्योरीज क्रैक नहीं कर पाई, मैं उसके लिए खुश हूँ, मतलब सब कह रहे थे अरे भाई इसकी कॉन्शियसनेस ना उसमें चली जाएगी, ठीक है, मैं किसी से वो नहीं ले रहा, बैर मेरे को लेना भी नहीं है, बट ये सच है कि हम लोग ना एज अ फैंस बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो थ्योरी बनना अच्छी बात है। और हाँ, भैरवा का जो कह रहे थे ना कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना देख रहा होगा, सपना नहीं है सपना, वो खुद गया डायरेक्ट, मैं उसके लिए भी बहुत खुश हूँ। जब मैं ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव होता हुआ देख रहा था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि भाई लो मुद दिया एक और थ्योरी पे भाई ने, ना कि भाई खेल लें सबकी थ्योरी देख के। सोचो उस बंदे ने दो साल पहले बना के रख दिए, 3 साल मूवी शूट ही करी है, उसके बीच में भी वो भी सोच रहे होंगे कि हाँ भाई ये कोई लोग थ्योरी बनाएंगे, मुद देता हूँ। और कुछ क्वेश्चन भी मूवी छोड़ जाती है कि अश्वत्थामा की शिव मणि जो कि उनके माथे पर विराजित है, वो कैसे शंबाला पहुंची, शंबाला के लोगों के पास वो कैसे आई, इसका आंसर शायद सेकंड पार्ट में मिलेगा। और जो समय टीका रीनेम होता है, और जो थोड़ा सा बैकग्राउंड मिलता है ना, बैकग्राउंड सॉन्ग पीछे होता है वो, जो कि सुमति ज़्यादा ही अच्छा है सॉन्ग की, तो ठीक है मैं गाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट वो बहुत ही अच्छी, ये छोटी छोटी चीज़ें ना जो बैकग्राउंड स्कोर खेल रहा है वही होती है चीज़ें जो दिल से लगती हैं लोगों में। और वो जो एक शॉट है पैरेलल में चल रहे होते हैं, दो शॉट बहुत तगड़े हैं, एक है अश्वत्थामा का हीलिंग और फायर टनल से बाहर निकलते हुए दीपिका पादुकोण, बहुत तगड़ा। और जैसे गांडी धनुष मिलता है
रेत में से और वो जैसे टच करने जाता उड़ जाता है भाई, वो शॉट भी तगड़ा है। और एक चीज मैंने बस जस्ट बोली थी, मैंने जैसे ही वो धनुष देखा तो लोगों के दिमाग में मेरे दोस्त और मैं ऐसी बात करते, और मैंने जैसे एक सेकंड पहले ही बोला कि गांधी धनुष है शायद, और वो अगले सेकंड में ही बोलता है गांधी। मैंने कहा ये है, ये हूँ मैं हूँ भाई असली, क्या फैन थ्योरी बनाने वाला थिएटर में जाके बिल्कुल वो कर रहा हूँ ये पॉइंट टू पॉइंट बातचीत। जो तुमने काया को बाइक चलाते हुए देखा वो है हाईटेक 2989G एक्टिवा। हाँ उस टाइम की एक्टिवा वही है, और देखो जैसे कि ब्रेक लगाना मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, उसमें भी लगा भाई को। जो देवदत्त घोड़े का सिग्निफिकेंस दिया गया है कि वो अश्वनी नक्षत्र की बात हो रही है, कि जब तारामंडल में अश्वनी नक्षत्र बन जाएगा तब आएंगे कल की, ना कि घोड़े पे बैठ के। वो थोड़ा सिंबलाइज करा गया चीज़ों को, जैसे कि गंगा जब स्वर्ग में वापस चली जाएंगी तो उसका मतलब ये नहीं कि चली जाएंगी लिटरली सूख जाएंगी, इसका मतलब सिंबलिक मीनिंग जो होता है, सिम्बॉलिक मीनिंग जो होता है। और जब अश्वत्थामा पहली बार सुमति को माँ कहता है, वो जो दुख और पीड़ा उस माँ में है, अब मैं बस समर्पण करना चाहता हूँ सिर्फ आपके लिए और प्रभु के लिए, अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं लड़ूंगा उस क्षण तक जब तक मेरा ये वचन जो मैंने दिया था वो पूरा ना हो जाए। और वेल 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 लास्ट में जो शो डाउन दिखाया जाता है और जो फील गुड कराता है इंसान को, अर्जुन एज विजय देवरकोंडा जो हमें दिखाए जाते हैं भाई, वो बंदा जस्ता है यार उस रोल में। तुम देखो तो उसका जो एटीट्यूड है ना, जब वो कैरी करता है ना गांडीव और चलाता है दोनों, बहुत तगड़ा लगता है। और फिर एकदम से अश्वत्थामा को बचाने आते हैं कर्ण एज अपने प्रभास भैरवा कुछ भी कहो, और फिर हमें लास्ट में रिविलेशन होता है कि असली कर्ण कौन है। जब वो अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के हाथ में लगती है और मेरे को लग रहा था कि अब उठेगा, देखो उठना तो पक्का ही था। जैसे ही भैरवा उठता है और उस लठ को चलाना चालू करता है भाई, उसको जैसे ही दिखाया ना, मेरा दिमाग एक तरीके से ब्लोन हो गया था कि भाई कैसे भैरवा काल भैरव नहीं है, कर्ण है। अभी कैसे जस्टिफाइड होगा मुझे पता नहीं, बट देखने में बहुत ही फेबुलस था। वो जो लास्ट में एकदम से वो जो पावर स्विच होता है भाई, गोकू सुपर सियान मोड से भी टॉप पे। तुमने ब्रह्मास्त्र भी देखी, वो भी इतने लार्ज स्केल पे शूट नहीं हुई कि इतने सारे लोग एक दूसरे से बैठ रहे हैं, नहीं, ये देती है कि मिनी महाभारत चल रही है स्क्रीन पे। बट जो पीक सीजन है वो तभी आता गया जब अश्वत्थामा बंधा हुआ है, और नो होप सुमति जा सकती है कॉम्प्लेक्स वापस, बट ऐसा कुछ नहीं होता। कौन बचाने आता है? कर्ण AKA भैरवा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिवील कर दिया मैंने, बट हाँ मैं ये थोड़ा लेट अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अब मैं बात कर सकूँ तुमसे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने थॉट्स या मेरे अंदर जो ये बातें हैं मैं कर सकूँ लोगों से, क्योंकि एट द एंड मेरे को खुशी इस काम में इसीलिए मिलती है कि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ तुम लोगों के सामने और तुम लोग सुनते हो। ये सबसे बड़ी बात है ये मिली भाई, रिविलेशन बहुत तगड़ा लगता है भाई एंड ऑफ द मूवी। और मैं सेकेंड पार्ट के लिए बुक्ड हूँ, मुझे पता तब तक मेरे शायद से सब्सक्राइबर या चैनल शायद से मेरे को कमा के भी देने लगे, तो अगर भगवान की दया रही तो मैं कुछ लोगों को साथ में ले जाना चाहूँगा इस मूवी के सेकंड प्रीमियर पे, मतलब सेकंड पार्ट जब आएगा। तो पता नहीं अभी मेरे पास पैसा आए ना आए, बट हाँ मेरा सपना है तो ये सपना पूरा करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई अभी ये बोल दिया तो आज से करने लग जाओ, कर दो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं लालच नहीं दे रहा, बट हाँ तो अब स्टाइल में ही एंड करते हैं इसको। अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़रों से दुरुस्त रहना। और अभी इस तो लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स काशी शंबाला एक जो नई चौथी जगह है जहाँ पर लोगों की बात चल रही थी वो किसी को नहीं पता। आता हूँ अगली थ्योरी वीडियो लेके, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़रों से दुरुस्त रहना, और मिलते रहना मेरे से एज अ रिव्यूअर, एज अ भाई या एज अ बहन, जो भी समझो, बंदी भी समझ सकते हो, नहीं मैं समझूंगा बंदी, तुम छोटे यार कर, यूज़ कर ही दिया मैंने तुम्हें, तो बाय बाय।